नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विकास में एक और नया और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया है। काशी दौरे पर पीएम मोदी का जहां भव्य स्वागत हुआ, तो वहीं वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने काशीवासियों को करोड़ों की विकास की सौगात दी। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी का भव्य स्वागत हो रहा है, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। तो वहीं दूसरी तस्वीर काशी को मिलने वाले पीएम मोदी के उपहार की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए सौगात दी। आपको बता दें कि करीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित होने वाले इस स्टेडियम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बिल्व पत्र के आधार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान का कार्य बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है।
और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। तो वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्विट्जरलैंड की ओर से हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में कहा, स्विट्जरलैंड की हुकूमत इस्लामोफोबिया की शिकार हो गई है, उसको इस्लाम और मुसलमानों से नफरत है। मौलाना ने आगे कहा कि हर धर्म ने अपना अनुयायियों को एक दायरे में रहने के लिए आदेशित किया है, इसलिए अनुयायी अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं को अजनबी लोगों से पर्दा करने का हुक्म दिया, इसलिए मुस्लिम महिलाएं हिजाब या बुर्का पहनती हैं। यूरोपीय देशों में स्विट्जरलैंड ने अभी अभी मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई है और वहां की पार्लियामेंट ने कानून पास करके जो प्रतिबंध लगाया और साथ ही $1200 जुर्माना भी आयद किया है कि अगर कोई महिला हिजाब पहनती है तो उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। हर मजहब ने अपने अपने अनुयायियों को, अपने अपने मानने वालों को दिनचर्या में रहनुमाई की है, तो अब हिजाब पर पाबंदी लगाना ये दरअसल इस्लामोफोबिया कहलाता है। स्विट्जरलैंड के हुक्मरानों को इस्लाम से नफरत है और वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जबकि इजहार आज़ादी राय के नाम पर उनको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो वहीं मथुरा में बरसाना में राधा अष्टमी के अवसर पर एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ, जिसमें राधा जन्माष्टमी मनाने आए दो श्रद्धालुओं की बीमारी के चलते मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों मंदिर से नीचे धर्मशाला में रह रहे थे, जिनमें एक महिला और एक बुजुर्ग पुरुष शामिल है। दोनों की मौत का कारण बीपी और शुगर की बीमारी बताया जा रहा है। तो वहीं मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे ने भीड़ के दबाव या भगदड़ में होने जैसी किसी घटना से इनकार कर दिया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां फतेहपुर सीकरी में एक और हादसा हुआ है। रेलिंग से गिरी एक और महिला पर्यटक, विदेशी महिला पर्यटक को चोट आई है। हाल ही में एक और महिला इसी तरह से गिरी थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। रेलिंग से गिरने से हुई थी महिला की मौत और अब कुछ ही समय के भीतर एक और इस तरह की घटना सामने आई है, जहां पर फतेहपुर सीकरी में रेलिंग से गिरने से एक महिला चोटिल हुई है। रेलिंग से गिरने से हुई थी एक विदेशी पर्यटक महिला की मौत। आगरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर फतेहपुर सीकरी में एक और हादसा पेश आया है। दरअसल रेलिंग से गिरी है एक और महिला पर्यटक और अब जानकारी है कि विदेशी महिला पर्यटक को गंभीर चोटें लगी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ इसी प्रकार का हादसा हुआ था और उसमें महिला को जान से हाथ धोना पड़ा था। और अब एक और इसी तरह की घटना आगरा से आपको बता रहे हैं, फतेहपुर सीकरी से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं, जहां रेलिंग से गिरने के चलते पहले महिला की मौत हुई थी और अब एक और कुछ उसी प्रकार का मामला। हालांकि अभी तक की जानकारी के अनुसार गनीमत इस बात की है कि महिला सुरक्षित है, लेकिन उसे गंभीर चोटें लगी हैं रेलिंग से गिरने की वजह से। फतेहपुर सीकरी में एक और हादसा पेश आया है, बड़ी खबर, अहम जानकारी। रेलिंग से गिरने से विदेशी महिला पर्यटक चोटिल हुई है।
और हमारी सहयोगी ममता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर इस खबर पर और अपडेट्स के साथ। ममता, आखिरकार क्या कारण सामने आ रहे हैं? लगातार पहले एक विदेशी महिला पर्यटक की मृत्यु हो चुकी है रेलिंग से गिरने की वजह से, और अब कुछ उसी प्रकार का एक और मामला सामने आया है फतेहपुर सीकरी से। क्या कुछ इससे जुड़ी और जानकारी, और महिला की अब सेहत किस तरह की बताई जा रही है? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कल ही हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था कि जिससे कि जो फतेहपुर सीकरी में जो 9 फीट ऊंचाई से एक महिला जो सीढ़ियां थी उसकी रेलिंग से गिरकर उस महिला की मैच कुछ ही घंटों में मौत हो गई थी। वो फैंस की महिला बताई थी, लेकिन आज दूसरा ये एक और मामला सामने आ गया है हाल ही में। इसके लिए जो एडीएम जो प्रोटोकॉल है, जो प्रशासनिक अधिकारी और सीएम के द्वारा इसकी सीएमओ के द्वारा इसकी जांच के लिए आदेश कर दिए गए, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि महज 24 घंटे के अंदर एक दूसरी महिला के साथ भी इस तरह की घटना हो जाती है और दोबारा एक और महिला आज दोबारा से गिर के चोटिल हो जाती है। हालांकि गनीमत है कि वो फिलहाल में उस महिला के पैर में ही अब तक चोट है, जो कि अभी उसका उपचार जारी है अस्पताल में, और आगे की जो कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा। भीड़ को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है, एक पहले घटना आई और अब एक और घटना इस तरह की आ गई है। बिल्कुल सचिन, बात भीड़ की इतना नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए हैं, जो सामान है, जिस तरह जो रेलिंग लगी हुई है, जो वहाँ की जो स्मारकों की जो टूट फूट है, क्या भले ही यहाँ मंत्री जी आकर के तमाम बाधे और दिखाते हैं। बिल्कुल ममता, देखना है कि आखिर कब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में प्रशासन कामयाब हो पाता है और क्यों आखिरकार ये घटनाएं आ रही, इस पर कहीं ना कहीं विचार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। उन्नाव से बड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो लोग डूब गए हैं, एक छात्र और एक शिक्षक नदी में डूबे हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान, और दोनों की फिलहाल तलाश जारी है और उनकी तलाश में जो गोताखोर हैं वो जुटे हुए हैं। जलेश्वरनाथ मंदिर के पास ये पूरी घटना पेश आई है। हसनगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। आपको बता दें कि एक छात्र और शिक्षक नदी में डूब गए हैं मूर्ति विसर्जन के दौरान, ये हादसा पेश आया है जहां पर एक छात्र और एक शिक्षक नदी में डूब गए। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों की तलाश लगातार जारी है, गोताखोर जुटे हुए हैं दोनों को ढूंढने में। जलेश्वरनाथ मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी उन्नाव से आपको बता रहे हैं, जहां पर जलेश्वरनाथ मंदिर के पास यह बड़ी घटना पेश आई है। दो लोग डूब गए हैं जिसमें एक छात्र और एक शिक्षक बताया जा रहा है। मूर्ति विसर्जन के दौरान यह पूरी घटना पेश आई। फिलहाल जो दोनों लोग डूबे हैं, नदी में डूबे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। गोताखोरों की मदद से दोनों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हसनगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जलेश्वरनाथ मंदिर के पास यह घटना पेश आई है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक छात्र और एक शिक्षक नदी में डूब गए हैं। हसनगंज थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और जो मौके पर भीड़ है वो भी देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ भी जमा हो चुकी है। दोनों ही लोगों को फिलहाल लगातार जो ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक दोनों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के साथ ही उनका निर्वाचन रद्द करने की भी मांग की गई थी। फिलहाल इस याचिका को हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। और चलिए अब रुख करते हैं फटाफट अंदाज में 4 मिनट में 18 मंडल का। आगरा में रेल मंत्रालय निभा रहा बड़ी भूमिका,
रेलवे से खिलाड़ियों को मिल रहा प्रोत्साहन, रेल डिवीजन में हुई शूटिंग रेंज की शुरुआत। बरेली में बारिश का कहर, स्मार्ट सिटी की सड़कें बनी तालाब, डीएम ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की। भदोही में नाबालिग का अपहरण करने का हुआ प्रयास, बाइक सवार 4 युवक घटना को देने जा रहे थे अंजाम, शोर मचाने पर भागे बदमाश। बदायूं में नगर निगम की लापरवाही से जा सकती है स्कूली बच्चों की जान, बारिश के पानी में बन रहा है ट्रांसफार्मर, सोही विकास क्षेत्र के वजीरगंज का है पूरा मामला। सहारनपुर में बाग में मिला ज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में गांधी चौराहे के पास मिला युवक का शव, तिकोना पार्क के निकट का रहने वाला है मृतक, तफ्तीश कर रही पुलिस। सहारनपुर में युवा व्यापारी को आत्महत्या के लिए उकसाना पड़ा भारी, पत्नी और सास को भेजा पुलिस ने जेल, नहीं मिली जमानत। कानपुर में दबंग हुए बेखौफ, मामूली विवाद में पति पत्नी की जमकर पिटाई, बजरिया थाना क्षेत्र के रामबाग की घटना। एटा में मेडिकल कॉलेज का मानवीय चेहरा, प्रसव पीड़ा में तड़पती पत्नी को छोड़कर भागा पति, महिला को तड़पता देख कॉलेज स्टाफ ने अस्पताल में कराया एडमिट। बरेली में शटरिंग गिरने से मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाया। कानपुर में पुलिस को मिली सफलता, एक विदेशी सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार, लोगों से करते थे फ्रॉड। अलीगढ़ में एएमयू से छात्र नेता छात्रों के बीच से हुआ गायब, देर रात तक छात्रों ने किया हंगामा, एएमयू के सभी गेटों पर जड़े गए ताले। अलीगढ़ में अवैध हथियार रखने का सिलसिला जारी, युवक का हथियार के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, महुआ खेड़ा क्षेत्र बताया जा रहा है शख्स। बस्ती में पति पत्नी के साथ हुई दर्दनाक घटना, पत्नी से रेप फिर जहर खिलाकर पति पत्नी का हुआ मर्डर, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में अवैध कब्जे पर गर्जा बुलडोजर, अवैध निर्माण की ग्रामीण कर रहे थे शिकायत, दयालबाग क्षेत्र का पूरा मामला। बरेली में पुलिस को मिली कामयाबी, अपराधी को प्रयागराज से किया गिरफ्तार, आरोपी की होगी कोर्ट में पेशी। रायबरेली में खून के रिश्ते हुए तार तार, परिवार के मतभेद में बुजुर्ग की हत्या, मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कन्नौज में बंदरों का आतंक, स्थानीय लोगों पर कर रहे हैं हमला, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहारनपुर से बता दें, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लूटकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर के पुजारी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 24 घंटे के अंदर किया है पर्दाफाश पूरे मामले का। दरअसल पुजारी से लूटपाट की गई थी और इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महज 24 घंटे के भीतर ही पुलिस को पूरी कामयाबी हासिल हो गई। और चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अब खबर आ रही है इंडिया ब्लॉक से जुड़ी हुई, इंडिया गठबंधन से राज्यवार बैठक करेगा इंडिया गठबंधन, सीटों की साझेदारी के लिए अब प्रयास शुरू हो गए हैं। समाजवादी ने जहां 65 तो कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों की डिमांड की है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, समन्वय समिति करेगी इसको लेकर बैठक। की बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, तमाम चीजों को लेकर पहले भी बातचीत हुई है और अब जो सबसे बड़ा पेंच माना जा रहा है सीटों का गठबंधन, उसको लेकर राज्यवार बैठे अब इंडिया गठबंधन की ओर से की जाएंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।